चुनाव में अंकल सैम ने बढ़ा दी कांग्रेस की टेंशन। पित्रोदा का महापाप कांग्रेस के लिए बना अभिशाप। देश में लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है, तीसरे चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है। देश की लगभग आधी सीटों पर चुनाव वोट डाले जा चुके हैं, लेकिन इस बीच विवादित बयानों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस की तरफ से इसका जिम्मा तो मानो सैम पित्रोदा ने ही लेकर रखा हो। चुनाव के मोड़ पर जहां बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर बढ़त लेने की कोशिश में जुटे हैं, तो वहीं सैम ने मानो कांग्रेस की मिट्टी पलीद करने का मन ही बना लिया। सैम जैन अनजाने कांग्रेस के लिए अपने बयानों से आत्मघाती गोल कर दे रहे हैं। अभी विरासत कर का मुद्दा शांत भी नहीं हुआ था कि अब सैम पित्रोदा ने देश में पूर्वोत्तर के लोगों की तुलना चीन से कर दी। बयान पर हंगामा मचने के बाद आखिरकार उन्होंने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, जिसे कांग्रेस आलाकमान ने स्वीकार भी कर लिया। वैसे यह पहला मौका नहीं है जब सैम ने इस तरह का विवादित बयान दिया। इस नस्ली टिप्पणी से पहले सैम पित्रोदा विरासत कर राम मंदिर निर्माण के अलावा 2019 के चुनावों में सिखों के नरसंहार की घटना पर भी विवादित बयान दे चुके हैं। बता दें कि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख पित्रोदा ने एक पॉडकास्ट किया। इसमें उन्होंने भारत की विविधता और यहाँ के लोगों का जिक्र करते हुए कुछ उपमाएं दी। उन्होंने कहा कि हम भारत जैसे विविधता से भरे देश को एकजुट रख सकते हैं, जहाँ पूर्वोत्तर के लोग चीनी जैसे लगते हैं, पश्चिम के लोग अरब जैसे दिखते हैं और उत्तर के लोग गोरों और दक्षिण भारतीय अफ्रीका जैसे लगते हैं। इस बयान के बाद बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया और बीजेपी ने पित्रोदा की नस्ली टिप्पणियों को लेकर उनके साथ ही कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया। पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के प्रवक्ताओं ने इसे कांग्रेस की विभाजनकारी राजनीति करार दे दी। विवाद बढ़ते देख कांग्रेस ने पित्रोदा के बयान से खुद को किनारा कर लिया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि सैम पित्रोदा की तरफ से भारत की विविधताओं को जो उपमाएं दी गई हैं, वे अत्यंत गलत और अस्वीकार्य हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन उपमाओं से अपने आप को पूर्ण रूप से अलग करती है। वहीं पित्रोदा का ये बयान सुबह जब वायरल हुआ, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के वारंगल में सभा कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, शहजादे के फिलोसफर ने चमड़ी के आधार पर देशवासियों का अपमान किया, गाली दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज मैं बहुत गुस्से में हूँ, लोग मुझे गाली दें तो मैं गाली सह लेता हूँ, लेकिन शहजादे के फिलोसफर ने इतनी बड़ी गाली दी है कि मेरे मन में गुस्सा भर गया है। मोदी ने कहा, क्या मेरे देश की चमड़ी का रंग देखकर लोगों की योग्यता तय होगी? चमड़ी के रंग का खेल खेलने का हक शहजादे को किसने दिया? संविधान सर पर लेकर नाचने वाले लोग मेरे देश का अपमान कर रहे हैं। वहीं इस बयान को लेकर रॉबर्ट वाड्रा ने भी अपना रिएक्शन दिया। जब उनसे सैम पित्रोदा को लेकर के सवाल किया गया कि सैम पित्रोदा बीजेपी के इशारे पर ये सब कर रही है, तो इसके जवाब में वाड्रा ने कहा, नहीं, होता यह है कि अगर कोई रिटायर होकर दुनिया के किसी कोने में बैठा है तो वह चाहता है कि उसका नाम ऊंचा हो, उसका भी नाम हो। मुझे बहुत खुशी है कि वह रिटायर हो गए, लेकिन रिटायर होने के बाद लोग चाहते हैं कि उनका नाम ऊंचा हो, उनका भी नाम हो। यहां जो कुछ भी चल रहा है उसमें शामिल हो जाओ। अगर वह सोफे पर बैठकर कुछ भी कहता है तो यह बकवास है। मुझे बहुत खुशी है कि वह रिटायर हो गए हैं, यह बिल्कुल गलत है जो वो कह रहे हैं। कोई पढ़ा लिखा इंसान इस तरह की बात भला कैसे कर सकता है? बस उन्हें रिटायर कर देना ही सही। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के और साथ ही साथ सैम पित्रोदा के इस बयान को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।